तो हरियाणा की पंचायत में आप सबने मेरा राम राम और आपके साथ मैं हूं आयुष चित्रांश। पंचायत में आज हम बात करेंगे फसल बीमा योजना की, जिसकी शुरुआत सरकार ने किसानों को जोखिम से बचाने के लिए की, लेकिन इस योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनी प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, तूफान, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसल बर्बाद होने पर आर्थिक सुरक्षा देती है। लेकिन किसान हमेशा इस योजना को लेकर के सवाल उठाते रहे हैं, वहीं अधिकारी भी हर बार अलग अलग तथ्यों को किसानों के सामने रख देते हैं। और इस बार भी बारिश के चलते जब घग्गर नदी के पानी का जलस्तर बढ़ा तो फिर तलहटी के पास बसे गांव को बेहद नुकसान पहुंचा है। जब किसानों ने मुआवजे की मांग की तो कृषि विभाग के अधिकारियों ने नए नियम किसानों के सामने रखे हैं। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि किसानों को इस बार धान के जलभराव के दायरे से बाहर कर दिया गया है, यानी कि प्राकृतिक आपदा के पहले ही किसान परेशान था और अब अधिकारियों के इस बयान के बाद किसानों की बची हुई उम्मीदें भी टूटने लगी हैं। किसान यह सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस योजना का लाभ उन्हें कभी मिलेगा भी या फिर नहीं। तो घग्गर नदी की तलहटी में बाढ़ से नष्ट हुई फसल के लिए किसानों ने मुआवजे की मांग की है और किसानों ने सरकार से विशेष गिरदावरी की भी मांग की। अब आधा दर्जन गांव के किसान कृषि उपनिदेशक कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। किसानों की यह भी मांग है कि खराब हुई फसल की विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा दिया जाए। लेकिन उधर अधिकारियों का यह कहना है कि फसल बीमा योजना की डेडलाइन में इस बार जलभराव में हुए नुकसान का मुआवजा नहीं मिल सकता। ऐसे में किसान परेशान हैं कि अब वो करें तो क्या करें। किसानों के अथक परिश्रम की बदौलत ही हरियाणा राज्य कृषि के क्षेत्र में अग्रणी है। हरियाणा का मेहनतकश किसान जहां देश के लोगों का पेट भरने में अपना अहम योगदान देता है, वहीं उसका अन्न के निर्यात में भी अहम योगदान है। किसान संकटों के बीच काम करता है, कभी असमय बारिश तो कभी सूखा तो कभी बाढ़ किसानों की अनुमानित पैदावार पर असर डालता है। किसानों को प्राकृतिक आपदाएं भी देखनी पड़ती हैं, इसके कारण उनकी फसलों को नुकसान पहुंचता है। लिहाजा आवश्यक था कि किसानों की उपज को क्षति पहुंचने की स्थिति में कोई व्यवस्था की जाए ताकि वो अगली खेती कर सके। इस समस्या का जो एक उचित हल निकाला गया वे फसल बीमा योजना के रूप में सामने आया। किसानों को जोखिम से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की। इस योजना के तहत सिरसा के दर्जनों गांव के किसानों ने बाढ़ से नष्ट हुई फसल के मुआवजे की मांग की है। दरअसल घग्गर नदी के तटबंधों के निकट गांव के किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। खेतों में पानी भरने की वजह से किसानों की नरमा और कपास की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। परेशान दर्जन भर गांव के किसानों ने उपनिदेशक कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मुआवजे की मांग की। घर का बाद फ्लड की वजह से हमारा खेत डूब गए हैं तकरीबन 500-550 एकड़ के करीब। तो हमारी अभी तक सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की, कोई स्पेशल गिरदावरी नहीं करवाने की कोशिश की, ना ही कोई ऑर्डर दिए हैं। अभी तो हमारा ये है कि वो कोई स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए और हमारा जो नुकसान हुआ है वो हमारी भरपाई की जाए। लगभग अगर एक एकड़ के पीछे कितना नुकसान मानते हैं? हम तो मानते हैं जी कम से कम 40-50 हज़ार के करीब, क्योंकि फसलें हमारी अब खाद भी डाल चुके थे जी, धान लग भी गया था जी, उस पर हमारा खर्चा बहुत हो चुका था जी, कम से कम 15-20 हज़ार के करीब तो हम खर्चा ही कर चुके थे जी उस पर। हाँ, वो टूलों का नुकसान भी हुआ है जी, कमरों का नुकसान भी हुआ है, टूलों के पास कमरे थे, मोटरों के अंदर पानी चला गया, मोटरें भी जल गई, कई मोटरें जल गई टूलों की। किसानों ने कहा कि जिन किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बने हुए हैं उनके खातों से फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम काटा हुआ है। उन्होंने मांग की है कि खराब हुई फसल की विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा दिया जाए। और जिन किसानों के क्रेडिट कार्ड नहीं बने हैं उन्हें भी सरकार उनकी खराब हुई फसल का मुआवजा दे। हाँ जी, बीमे कटे हुए हैं हमारे हुए। लेकिन हम पहले ये डिमांड करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लिमिटे नहीं बनवाई हुई, उनके नहीं कटे हुए बीमे, लेकिन उनको मुआवजा तो मिलना चाहिए जी, हमारी ये डिमांड है। मतलब जो जिन जिनकी केसीसी बनी है उनका कटा हुआ? हाँ जी, हमारे बीमे जिनके केसीसी खाते हैं उनमें से कटा हुआ, हर साल काटते हैं। लेकिन हम ये डिमांड करते हैं, ये हमारे सारे साथी हैं और सबको मिलना चाहिए।
वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फसल बीमा योजना की डेडलाइन से इस बार जलभराव से हुए नुकसान का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तो वो मुआवजे के लिए हमारे पास उन्होंने एप्लीकेशन दी है, तो हमने उनको आगे के लिए जो सुझाव भी दिया है कि हम आपकी एप्लीकेशन सरकार के पास भेज देंगे, लेकिन जो हमारी गाइडलाइन है फसल बीमा योजना की, उसके तहत अब की बार धान को जल भराव से के दायरे से निकाल लिया है कि अगर जल भराव से धान में नुकसान होता है तो उसको लोकलाइज रिस्क कवर में नहीं किया जाएगा, उसको बीमा नहीं मिलेगा। और जिसकी कपास की फसल थी उनको हमने बोल दिया है कि वो अपनी एप्लीकेशन लगाएं, उनके खेत का सर्वे करवाया जाएगा और कंपनी को भेजा जाएगा। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि फसल बीमा योजना क्या है। किसानों को जोखिम से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की। ये योजना साल 2016 के रबी के मौसम से लागू की गई। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, तूफान, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से फसल बर्बाद होने पर किसान को आर्थिक सुरक्षा देती है। योजना में प्रीमियम राशि सभी खरीफ फसलों के लिए 2% है, रवि फसलों के लिए 1.5% और हॉर्टिकल्चर फसलों के लिए 5% है। शेष प्रीमियम बीमा कंपनियों को सरकार द्वारा दिया जाएगा। ये राज्य और केंद्र सरकार में बराबर बराबर बांटा जाएगा। योजना सभी किसानों के लिए है। ये कर्ज लेने वाले किसानों के लिए अनिवार्य है, जबकि अन्य किसानों के लिए स्वैच्छिक है। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यदि बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसमें किसान सिर्फ मोबाइल के माध्यम से अपनी फसल के नुकसान के बारे में आकलन कर सकता है। एक तरफ किसान खराब फसलों के मुआवजे की मांग कर रहे हैं, वहीं अधिकारियों का कहना है कि ये नुकसान फसल बीमा की डेडलाइन में नहीं आता है। ऐसे में किसान परेशान है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर इस योजना का लाभ कभी मिल पाएगा या नहीं। सिरसा से अमर जियानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वाकई में सिरसा के जो किसान हैं वो पानी से बर्बाद हुई फसल के मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब एक सवाल इसके साथ अहम ये भी जुड़ा हुआ है कि आखिर जो फसल बीमा योजना है उनका लाभ उनको मिलेगा भी या फिर नहीं, क्योंकि बीमा के फेर में किसान फंसे हुए नजर आ रहे हैं। आज हरियाणा के पंचायत में इसी पे चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं सबसे पहले आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ सुखबीर तंवर जी जुड़ रहे हैं नेलो से, बहुत स्वागत है सुखबीर तंवर जी आपका। सुदेश कटारिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सुदेश कटारिया जी आपका भी बहुत स्वागत है। दलवीर धनखड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं जजपा के। दलवीर धनखड़ जी आपका भी स्वागत। कुमार मधुकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुमार मधुकर जी आपका भी स्वागत। और सिरसा से हमारे साथ गुरजीत सिंह मान जी जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं। गुरजीत सिंह मान जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत गुरजीत सिंह मान जी आपसे ही करते हैं, आप एक किसान नेता हैं और जिस तरीके से सिरसा के अंदर किसान फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे की जो मांग कर रहे हैं और अब उस पर जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, कैसे देख पा रहे हैं इसको? देखिए, जब फसल बीमा योजना नहीं थी तो सरकारें अपने आप, चाहे स्टेट की थी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, मुआवजे का प्रावधान था जिसकी गिरदावरी के बाद अक्सर वो करप्शन की भेंट चढ़ जाता था। इस तरह की शिकायतें उस समय आम थी। जब फसल बीमा योजना आई तो किसानों ने सोचा कि कुछ ना कुछ इसमें सुधार हुआ होगा, लेकिन दरअसल में सुधार न होकर के ये उल्टा गले की फांस बन के रह गया। पहली बात तो ये है कि फसल बीमा योजना, जैसे अभी आपने बताया कि इस बार के लिए उसमें इस तरह के जो नुकसान है जो पानी से हुए हैं उसका प्रावधान ही रही है, जबकि होना ये चाहिए कि जब फसल का बीमा हो रहा है तो जैसे गाड़ियों का बीमा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। इसमें एक भी टर्म ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बीमा को रिजेक्ट करे। लेकिन इसमें शर्तें क्या हैं, जैसे वो आपने किसी अधिकारी के संदर्भ से ये बात बताई, ये बात किसान को तो नहीं बताई गई, जबकि किसान भी उस बीमे में चाहे वो आंशिक हिस्सेदार है, वो हिस्सेदार तो है। जब वो हिस्सेदार है तो वो कंज्यूमर भी है। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी एक कमोडिटी, एक प्रोडक्ट बेच रही है जिसको दो खरीदार खरीद रहे हैं। एक सरकार है बड़ा हिस्सा, दूसरा हिस्सा छोटा हिस्सा किसान खरीद रहे हैं अपने हिस्से का प्रीमियम दे करके। तो उससे वो क्यों नहीं शेयर की जाती? अगर उसे लगेगा कि ये शर्तें मेरे अनुरूप नहीं है तो वो बीमा ही नहीं कराएगा।
अब इस मौके पर क्योंकि बीमा कंपनियों को नुकसान होने जा रहा है तो उसकी टर्म्स को बदल करके ऐसे किया जा रहा है कि उनको भरपाई ना करनी पड़े। ये तो बिल्कुल ही अनजस्टिस है किसानों के साथ। दूसरी बात, कुछ किसानों के बीमे नहीं है, जो जिनके केसीसी नहीं है, उनकी भी सरकार की एक एक्स ग्रेशिया के तहत जिम्मेवारी बनती है कि नुकसान तो हुआ ही है। इंडिया की डेमोक्रेसी वेलफेयर के लिए बनी है तो सरकार उसको किसी ना किसी और तरह से मुआवजा दे, ये सरकार के अधिकारियों को सोचना है। ऊपर मैं अपनी बात को खत्म होते हुए कहता हूं कि आगे इलेक्शन बड़ी जल्दी आने वाले हैं, अगर उससे पहले पहले सरकार कोई जल्दी से फेवरेबल स्टेप नहीं लेगी तो बाद में चुनाव जो आचार संहिता लग जाएगी तो किसानों का उसमें और भी जो है एक तरह का गुस्सा बढ़ेगा, चाहे वो टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो ये सब को देखते हुए यही है कि जो फसल बीमा योजना बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसकी टर्म्स कभी भी किसान से शेयर नहीं होती। किसान से तो क्या शेयर होनी है, जो बैंक अधिकृत होता है केसीसी के जरिए पैसे काटने के लिए, उनके पास भी बीमा पॉलिसी की कॉपी नहीं होती। इसका मतलब ये सिर्फ सरकार और इंश्योरेंस कंपनीज के बीच का खेल रह गया। ठीक है सुदेश कटारिया जी, देखिए आपने सुनी गुरजीत सिंह मान जी की बातें, मैं चाहूंगा किसका जवाब दें आप। जी आयुष जी, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के आम लोगों के साथ है। किसान तो वो वर्ग है जो अपना पेट काट के हरियाणा प्रदेश का नहीं पूरे देश का पेट भरने का काम करता है। सबसे सर्वप्रथम मैं आपको आयुष जी बताऊं, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार है जिन्होंने किसान हित के लिए इतने काम किए। पूर्व के 10 साल की भूपेंद्र हुड्डा की सरकार रही, इससे पूर्व ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार रही, किसानों को दड़ने का काम किया, किसानों को प्रताड़ित करने का काम किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारनामे आपके सामने हैं। 10 साल के कार्यकाल में जो भोला भाला किसान दक्षिण हरियाणा का पानी और बिजली के लिए प्रताड़ित होता था, उसको सरकार का भय दिखाकर उन्होंने पौने दामों में जमीन खरीदने का काम किया। हमारी सरकार आने के बाद एक इंच भी जमीन हमने एक्वायर नहीं की। और बात अगर मुआवजे की करें हरियाणा में तो बंपर मुआवजा हमारी सरकार आने के बाद जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदा हरियाणा प्रदेश में आई उसमें सबसे बंपर मुआवजा 3645 करोड़ का मुआवजा देने का हमने काम किया, जो प्राकृतिक आपदा आने के बाद किसानों पे जो भारी बोझ पड़ा था। इससे पूर्व के 10 साल की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने 268 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था 10 साल के कार्यकाल में। हमारे 5 साल के कार्यकाल में 3645 करोड़ रुपया किसानों को प्राकृतिक आपदा के समय दिए गए थे। और मैं आपको एक बात और बता दूं आयुष जी, किसान जो बिजली और पानी के लिए प्रताड़ित था दक्षिण हरियाणा का किसान, आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक सरकार में हुआ है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने जिस दिन शपथ ली उस दिन कहा था हम किसानों से दूर नहीं है, किसानों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ेंगे। एक ऐतिहासिक काम किसानों के पक्ष में जो किया हमने, उनके किसान पेंशन निधि के रूप में जो पेंशन देने का काम किया, जो 6000 रुपए प्रति वर्ष। सुदेश जी देखिए ये उपलब्धियां पता है मुझे, सुदेश जी एक सेकंड, सुदेश जी ये देखिए ये उपलब्धियां पता है मुझे, और आप पिछली सरकारों को भी कोर्ट थोड़ा ना करें क्योंकि जनता ने आपको चुन के भेजा है। अभी सिरसा के अंदर जो किसान परेशान है उनको लेकर के क्या हो रहा है, जरा उसके बारे में बताएं। मैं बता रहा हूँ जो विशेष गिरदावरी की मांग करते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय बराला जी ने कहा, आपके चैनल के माध्यम से भी कहा और वैसे भी प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कहा, विशेष गिरदावरी जो मांगते हैं विशेष गिरदावरी करके उचित मुआवजा देने का काम हरियाणा की सरकार करेगी और किसानों के साथ खड़ी। मैं बता रहा हूँ किसान वो वर्ग है जो अपना पेट काट के हरियाणा प्रदेश का पेट भरने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, विशेष गिरदावरी करवा के उचित मुआवजा। अरे ठीक है सुदेश जी, अगर इतना बढ़िया हो रहा होता तो शायद आज किसानों को मांग नहीं करनी पड़ती, आप लोग पहले ही कर चुके होते ये काम। ठीक है दलबीर धनखड़ जी कैसे देख रहे हैं? देखो विशेष गिरदावरी की मांग इनकी जायज है, मैं मानता हूँ इस जायज मांग को मान्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दलबीर धनखड़ जी विशेष गिरदावरी करवा के उचित मुआवजा दिलवाने का काम। ठीक है सुदेश जी, आयुष जी नमस्कार, धन्यवाद। आयुष जी मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है ये किसान विरोधी सरकार है। किस तरह से किसान विरोधी सरकार है मैं आपको बताना चाहूंगा। फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो लेके आई है, आप सबको शायद मान साहब को भी याद होगा, हमारे कुमार मधुकर जी को भी याद होगा और मेरे प्रवक्ता मित्र शायद इनको भी याद होगा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये कह के लौटा दिया था इसको एक पखवाड़े में, बहुत छोटे से में एक खंड में लगा के, भाई ये किसान की विरोधी है प्रधानमंत्री फसल बीमा नहीं।
अगर देना ही है तो सरकार इसका वो देगी प्रीमियम, तो किसान के फेवर किए ये किसान के जबरदस्ती पैसा काटने का ये टोटली किसान विरोधी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो बन रहे हैं, तो वही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके आए 2016 में, सबको पता है। हालत आज ये है, जबरदस्ती आयुष जी जबरदस्ती पैसे काटे जा रहे किसानों के, और पैसे काटने के बाद मुआवजा नहीं दिया जा रहा, कैसे किसान विरोधी है ये सरकार। मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा में आए थे, मैं स्वामीनाथन की बात नहीं की थी, हरियाणा में उन्होंने लगाई थी एक रुपया लगाओगे डेढ़ पाओगे, सीधे सीधे किसान पढ़ा लिखा नहीं, वो स्वामीनाथन आयोग को नहीं जानता, जो इनके घोषणा पत्र में आप पढ़ के देख लो, एक लगाओगे डेढ़ पाओगे। इसी तरह से आप सिरसा की बात आज कर रहे हैं, सिरसा की बात, वहां सबको पता है, रानिया के अंदर मेरे किसान नेता हैं गुरदीप मान जी, उनको पता होगा वहां एक बांध है जिसको घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है, वहां बहुत पानी का वो करता है। आज हालत ये, दो साल पहले किसी ने, पिछले साल किसी ने आरटीआई लगाई थी तो खुदाई के लिए इन्होंने बहुत पैसा वहां दिया था, तो उसमें मोपेड का नंबर निकला था, जो जेसीबी का नंबर था, खुदाई की जेसीबी का नंबर, मोपेड का नंबर निकला था। ये सरकार की, मैं कह रहा हूं कुछ नहीं है, ये अपने लोगों को ठेका देते हैं, अपने लोगों को लुटवाते हैं, अपने सरकार को लुटवाने का काम कर रहे हैं, अपने लोगों को पैसा दे रहे हैं, किसान का बिल्कुल भला नहीं कर रहे। आपको पता गन्ने का क्या हुआ, गन्ने की कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराओ, अरे किसान इतना पढ़ा लिखा कहां तो रजिस्ट्रेशन कराए, आप जिम्मेवारी लगाओ तो आप लगाइए ना पटवारी की, वो घर घर खेत खेत में जा गए हैं, रजिस्ट्रेशन पहले भी करता था फसलों का, आज भी करे, परंतु ये तो गांव में, गांव में नहीं होते। ठीक है, एक एक करके, ठीक है सुदेश जी, सुदेश जी एक एक करके, सुदेश जी मैं बार बार कहता हूँ, सुदेश जी दो व्यक्ति बीच में बोलते हैं, देखिए सुदेश जी, देखिए ऐसा समझ में भी नहीं आ रहा है, सुदेश जी आप क्या कह रहे हैं, वो आवाज भी ना मुझ तक पहुंच रही है ना दर्शकों तक पहुंच रही है। सुदेश जी देखिए, ना आपकी बात समझ में आ रही है ना दलबीर जी की बात समझ में आ रही है, एक एक करके बोले। सुदेश जी देखिए, एक सेकेंड, सुदेश जी आपने क्या कहा, सुदेश जी, सुदेश जी, सुदेश जी आपने क्या कहा, किसी को समझ में नहीं आया, मुझे भी समझ में नहीं आया, दर्शकों को भी नहीं आया होगा। मैं आपको समय दूंगा, बात का जवाब दीजिएगा, आप उस बात का जवाब दीजिएगा, सुदेश जी मैं आपको पूरा समय दूंगा, सुदेश जी मैं आपको पूरा समय दूंगा, आप उस बात का जवाब दीजिएगा, एक बार बात कंप्लीट होने दें, दलबीर जी की बात को कंप्लीट होने दें, दलबीर जी जल्दी से। आयुष जी मैं ये कह रहा हूं, ये ऐसी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ किसानों नहीं, पूरे हरियाणा के विरोधी हैं, किसी का भी किसी वर्ग का इन्होंने फायदा नहीं किया, नुकसान करने का काम किया, और किसान को तो सबसे कमजोर वर्ग समझते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, किसानों के साथ किसी भी फसल में आप ले लिए, जबरदस्ती प्रीमियम क्यों काटते हैं। मान साहब ने बिल्कुल सही बात कही है, अगर प्रीमियम भरना है तो सरकार भरे, मुआवजा दे सरकार दे, ठीक है, सरकार वेलफेयर करती है, जबरदस्ती गला नहीं काटती, ठीक है। सुखबीर तंवर जी का काम कर रहे किसान का, किसान का कोई भला नहीं कर रहे, एक लगा रेट लगाने के देने की बात की थी, उस पर कहीं खड़े नहीं उतर रही, ठीक है। सुखबीर तंवर जी, आयोग से सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश और देश की जनता को शिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ साथ जो कांवड़ ला रहे बंधु किसी भी कारणवश मौत के मुंह में समा गए, उनके प्रति और उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। अब आते हैं बात पे, जिस विषय पे आज आपने टॉपिक रखा है। देखिए निसंदेह बहुत बार अलग अलग चैनल्स पे इस बात की चर्चा हो चुकी है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये कहीं ना कहीं पूंजीपतियों का पोषक करने की योजना है। इसके बारे में कितना पैसा है, कितना कटा, वो अतीत में आकर बहुत बारी डिस्कस हो चुके हैं। देखिए निसंदेह भारत एक वेलफेयर स्टेट है, और एक वेलफेयर स्टेट में जो समाज के कल्याणकारी कार्य होने चाहिए वो उनकी जरूरत है। आज हो क्या रहा है, आज प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम पर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जो निसंदेह निंदनीय है। और जिस प्रकार से जिन लोगों ने फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केसीसी या दूसरे माध्यमों से बीमा करवाया, आज उनको दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार किसानों को जो उनका मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा नहीं मिल रहा है। मैं सबसे बड़ी दिक्कत इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो मुझे नजर आती है, जो आपको भी नजर आएगी, हरियाणा प्रदेश को भी नजर आ रही है, समूचे राष्ट्र को नजर आ रही है, फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक गांव को एक यूनिट माना गया है, और जबकि होना यह चाहिए कि जिस पर्टिकुलर एकड़ में नुकसान हो वो होना चाहिए। ये पहली ऐसी योजना है
जिसमें एक पूरे बहुत बड़े भूभाग को एक यूनिट माना गया है, जबकि बीमा में चाहे वाहन बीमा हो चाहे और दूसरे बीमा हो उनमें अलग अलग इंडिविजुअल जो चीज है उसी को एक यूनिट माना जाता है। तो ये इतना बड़ा घालमेल है, इसको यूनिट ना मानना कहीं ना कहीं किसान वर्ग के साथ बहुत बड़ी बड़ी धोखाधड़ी है। और वो धोखाधड़ी निरंतर जब से ये योजना लागू हुई है और किसान अपनी स्वेच्छा से इस फसल बीमा योजना को कराना नहीं चाहता, पंजीकृत नहीं कराना चाहता, लेकिन जिन लोगों ने जिन किसानों ने ऋण लिया हुआ है उनके खाते से ऑटोमेटिक कट जाते हैं। अभी मैं दलवीर भाई की बात का समर्थन करता हूं जो इन्होंने बात उठाई के गन्ने की नहीं, गन्ने की नहीं, जो दलवीर भाई ने बात उठाई कि किसानों को ठीक है सर, थोड़ा सा आगे बढ़े 2004 में ठीक है सर, एक देखिए दूसरी बात ये है ठीक है, जो 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 मुआवजा वितरण की प्रणाली थी जो मेरे भाई सुदेश जी अभी उसके बारे में बहुत लंबी लंबी कह रहे थे कि इतना मुआवजा बांट दिया, उस मुआवजे के बानगी में बता दूं, पटौती क्षेत्र में ब्लॉक है फर्रुखनगर, वहां पे पिक एंड चूज की नीति के तहत मुआवजा दिया और हमने निरंतर पौने दो साल तक संघर्ष किया। माननीय कृषि मंत्री धनखड़ साहब फर्रुखनगर की एक सभा में ये कह दिया कि जिसको मिलना था मिल गया, अब किसी को नहीं मिलेगा। पौने दो साल पैदल यात्रा से जो किन किन हालात से गुजर के हमने पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाया, ये भी रिकॉर्ड की बात है, जिस बात की कटारिया साहब बड़ी ऐतिहासिक सफलता बता रहे थे। ठीक है कुमार मधुकर जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते देखिए आपने सबकी बातों को सुन लिया, जितने राजनीतिक मेहमान हैं उनके अपने तर्क हैं, किसान नेता अपनी जो परेशानी है उसको रख रहे हैं, इन सब के बीच में एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते कैसे देख पा रहे हैं इस योजना को और किसानों को हो रही परेशानी को? कुमार मधुकर जी मैं देखिए आपको रोक रहा हूं, माफी चाह रहा हूं, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, कुछ तकनीकी समस्या है। गुरजीत सिंह मांझी आपके पास आ जाता हूं, देखिए अभी आप बात सुन रहे थे और खासतौर से सुदेश कटारिया जी ये बात कह रहे थे कि जो विशेष गिरदावरी की आप लोगों ने बात कही थी उसको लेकर के वो संजीदा है और विशेष गिरदावरी करके उसके बाद जो उचित मुआवजा होगा वो दिया जाएगा, क्या आप आश्वस्त हैं इस बात से और आपको लग रहा है कि समस्या का समाधान निकलेगा? देखिए यहाँ सभी विभिन्न राजनीतिक पार्टी के लोग बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, लेकिन मैं कटारिया जी से संबोधन कर रहा हूँ कि ना मैं भाजपा के खिलाफ की बात कर रहा ना आपकी बात कर रहा। पहली बात तो जो मैंने उनसे बातें कही उनका जवाब देने के बजाय उन्होंने इधर उधर भटकाया, कांग्रेस से कंपेयर किया, अपनी उपलब्धियों की बजाय अपने जो है प्रचार वाली बातें बताई, जबकि वो अगर वो विशेष गिरदावरी वाली बात हम मांग रहे हैं, अगर सरकार किसान से सहानुभूति रखती है तो ये मांग होनी नहीं चाहिए, ये ऑटोमेटिकली हो जानी चाहिए थी। दूसरे जितने भी सवाल न केवल मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर लगाए हैं, वो केवल मैंने नहीं लगाए, पूरे राष्ट्रीय अखबारों में राष्ट्रीय चैनल्स पर और प्रदेश के लोगों ने लगाए हैं। अपोजिशन का काम होता है कि कोई सरकार की पॉलिसीज में खामियां हैं तो उसे हाईलाइट करें, लेकिन ये बड़ा एक दुर्भाग्य वाली बात है कि जो हमारी राज्य सरकार है चाहे सेंट्रल सरकार है वो केवल अपोजिशन या लोगों की जो खामियां बताई जाती है उनको डिफेंड करती है बजाय उसके उसमें सुधार लाने के। सुधार बड़े छोटे छोटे हैं और पॉसिबल हैं, लेकिन उस तरफ ना कटारिया साहब ने कोई ऐसा इशारा किया कि वो ऐसी चेष्टा करेंगे कि फसल बीमा योजना में सुधार लाए जाए, और ना ही कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी ऐसा आया। आप भी हर दिन ये खबरें करते हैं, आपने देखा होगा कि कुल जितना बीमा की कलेक्शन होती है देश में वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेबसाइट पर है, और कुल जितना वो मुआवजा देती है वो भी उसकी वेबसाइट पर है। दोनों में बड़ा अंतर है, कलेक्शन ज्यादा होती है और दिए कम जाते हैं, उसके बावजूद भी सुधार क्यों नहीं कर पाते जब उनके पास पर्याप्त पूंजी है। यही मांगे मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि इस बीमा योजना को अगर सुधार नहीं कर सकते तो इसे बंद कर दें।
ताकि पुराने तरीके से सरकार चाहे वो करप्शन से करती थी, कैसे भी करती थी, जो भी किसान का मुआवजा होता था वो पूरा नहीं हुआ था, जैसा भी पहुंचता था वो स्कीम वापस लाए, और नहीं तो फिर सीधी तरह से इसको इसकी खामियां को देख करके उसकी त्रुटियां को फटाफट ठीक करें। एक तरफ तो डिजिटल हरियाणा की बात करते हैं, दूसरी तरफ वही पेपर वाली फाइलें हैं जो 2016 से ही कमियां बताई जा रही हैं, आज तक नहीं निकली है वो कमियां। क्यों नहीं इसे आप स्वैच्छिक बनाते, क्यों नहीं आप अगर किसान को वो परफॉर्मा दिखाते जिसमें आपकी क्या क्या चीज इंश्योर्ड है कि उसको वो एडमिट करे, यस करे कि हाँ ठीक है मैं इस प्रकार का बीमा लेने का हकदार बनता हूँ। क्यों उसको अंधेरे में रख के आप जो मर्जी की शर्तें रख देते हैं, जब मर्जी उन्हें हटा देते हैं, ये तो बिल्कुल अन्याय है। सुदेश जी आप जवाब दें। आयुष जी मैं बिल्कुल मान साहब का जवाब दूंगा। मैं मान साहब ने जिस प्रकार से कहा कि फसल जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है 2016 के बाद, 2014 के बाद हमारी सरकार बनी उसके बाद 1141 करोड़ का बंपर मुआवजा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हम बांट चुके हैं, और जब प्राकृतिक आपदा आई 2504 रुपए बंपर मुआवजा हमने बांटा, जबकि पूर्व की सरकारों में 268 करोड़ रुपए किसानों को दिया गया था। ये कहीं और तो गया, ये किसानों के खाते में गया है। वो आयुष जी मैं एक बात और बता दूं, हमारे धनखड़ भाई ने अभी आयु उसका जिक्र किया स्वामीनाथन आयोग का, स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट में तो 10,000 प्रति एकड़ हमने 12,000 देने का काम किया। स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण हरियाणा का किसान पानी लेने के लिए प्रताड़ित था, जो 35 और 40 साल से पानी की बूंद तक जहां नहीं गई, आखिरी डेट तक हमने पानी पहुंचाने का काम किया, और किसानों के पेंशन निधि के रूप में हमने 6,000 रुपए लागू करने के काम किए। आप आकलन करके देखिए, 6,000 किए हुए कल को 15,000 होंगे, 20,000 होंगे। हमने किसान सुदेश जी मुझे लग रहा है कि आप क्या सवाल नहीं समझ पा रहे। सुदेश जी देखिए, सवाल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर के, आपकी जो अन्य जो स्कीमें हैं उस पर किसी को कोई आपत्ति और ऐतराज नहीं है, आप वो बेहतर काम कर रहे हैं शायद इसीलिए आप सत्ता में हैं, लेकिन फसल बीमा को लेकर के हर बार जब इस तरीके के सवाल सुदेश जी खड़े होते हैं तो आपको नहीं लगता कि कम से कम आप अपने राजनीतिक जो आपके विरोधी उनकी बात भले ना माने, लेकिन एक किसान नेता कोई बात मान बोल रहे हैं तो कम से कम उसको तो आप लोग ध्यान से सुने, और अगर उसके अंदर कोई कमी है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। सुदेश जी आयुष जी, आज किसानों की सबसे बड़ी जो समस्या थी जिन्होंने ज्ञापन दिया, आप देख लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से मैंने सुना, मुझे पता चला वो विशेष गिरदावरी की बात कर रहे थे, हम पहले ही इस बात को स्वीकार रहे हैं। और किसान वो वर्ग है आयुष जी जो अपना पेट काट के दूसरों का पेट भरने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारा मुख्यमंत्री, हमारा पूरा संगठन किसानों के साथ खड़ा है। आयुष जी अगर हम किसानों के लिए काम नहीं करते तो इतना बड़ा जरूरत कैसे मिलता। मैं मानता हूं छोटी मोटी और कमी रह गई है, प्रोफेसर स्वामीनाथन जी ने खुद ट्वीट करके कहा, जो मैंने नीति और नियत बनाई थी उस पर खरी उतरी है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने जो प्रति एकड़ के 10,000 का मुआवजा देने की बात की, हमने 12,000 किया, आखिर के तक पानी पहुंचाने का काम किया, ऐसे की लड़ाई लड़के यहाँ तक उसको पहुंचाया। ठीक है, सुदेश जी सरकार किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के साथ। ठीक है, कुमार मधुकर जी भी हमारे साथ इस बार एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, जरा उनकी बात को भी सुन लेते हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार की बात भी जरा सुनते हैं। देखिए कुमार मधुकर जी, मैंने जो सवाल आपसे पूछा था मैं एक बार फिर से आपको दोहरा देता हूं। देखिए सबकी बातें आपने सुन ली, किसान नेता क्या कह रहे हैं, उनकी परेशानी क्या है उसको भी आपने सुना, जो तमाम राजनीतिक मेहमान है वो भी जो बात कह रहे हैं उसको भी आपने सुना, लेकिन इन सब के बीच में एक किसान और एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप इसको कैसे देखो समझ पा रहे हैं, और दरअसल कहां पे समस्या आ रही है ये आपसे मैं जानना चाह रहा हूं। बिल्कुल देखिए, 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री बीमा योजना की शुरुआत हुई थी, तब किसानों को लगा था कि शायद ये सरकार आ रही है हमारे लिए शुभचिंतक है, हमारे लिए सोच रही है ये सरकार। लेकिन अब ये लग रहा था, अब ये लग रहा है कि ये जो हालात हैं, हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये बीमा किसानों के लिए नहीं बल्कि ये तो बीमा कंपनियों के लिए बीमा है। अब स्थिति ये है कि इनके तो सालाना जो है वो काटते जा रहे हैं प्रीमियम, और जब देने की बारी आती है तो फिर इनको लगता है कि अब हमारा कहीं जो है खजाना ना खाली हो जाए। एक सोनीपत की घटना मुझे याद आ रही है कि वहां पे 11 करोड़ कुछ इन्होंने जो है प्रीमियम काटा था एक साल का, उसके बाद जब देने की नौबत आई तो उन्होंने एक सूची तैयार करी और अधिकारियों से मिलकर के सूची तैयार हुई, उस सूची में कुछ लोगों को पैसे दिए भी, बाद में कहा कि ये सूची जो है। जी कुमार जी, चलिए कुमार जी कुछ तकनीकी समस्या आपसे फिर मेरा संपर्क टूट गया है। दलवीर धनखड़ जी आप कुछ कहना चाह रहे थे।
जी आयुष सर, मैं तो एक ही बात कहता हूं, किसान नेता हमारे हैं मान साहब, आपने पत्रकार बहुत ही सम्मानित हैं, उनके भी व्यू सुने। हमारी बात फिर वही है, मैंने स्वामीनाथन की बात नहीं की, मैंने की हरियाणा में आपने वायदे किए थे एक लगाओगे डेढ़ पाओगे, आपके घोषणा पत्र में लिखा हुआ एक के बदले डेढ़। चलो बाकी बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, मोटी मोटी बातें और बहुत सारी हैं। जिस तरह से आप ये देख लीजिए, जो ये बातें कर रहे हैं प्रीमियम की, हमने तो पहले ही दिन मांग की थी प्रीमियम किसान नहीं भरेगा, प्रीमियम सरकार भरे, ताकि कंपनियों पर दबाव बना के सरकार सबको मुआवजा दे, हर खेत का मुआवजा चाहिए। कंप्रीहेंसिव का मतलब क्या होता है? कंप्रीहेंसिव का मतलब यह, मान साहब ने बताया, मैं फिर बताता हूं, कंप्रीहेंसिव का मतलब यह, मैंने पे की अपनी किस्त, मैंने पे की तो मेरे को मुआवजा मिलना चाहिए। कंप्रीहेंसिव का मतलब यह है, बाकी ये सरकार कंपनियों से मिली हुई है, कंपनियों का फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है, और ये बड़ी चिंता का विषय है। आज ये सरकार नहीं चाहती किसानों पर जमीन बचे, ये चाहती है किसानों की जमीन किस तरह से हम छीनें, ये बात पर लगे हुए हैं। आप ये मान के चलिए, ये छीनने वाले लोग हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल जो हरियाणा में राज किया, मैं बिल्कुल इस बात को मानने का तैयार हूं, हरियाणा में जैसे गुड़गांव में प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पे 90 जोड़ बोलते हम, जो पानी को रिचार्ज करते थे वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को दे के, वहां प्राइवेट आज बिल्डर अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाए हुए हैं। तो इस तरह के, उसी तरह से नदियों की सफाई की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी बातें करती है। मैं तो कह रहा हूं सिरसा का मुद्दा है, मान साहब को याद होगा जब आरटीआई में पता लगा था जो नंबर दिया था जेसीबी का, वो मोपेड का नंबर निकला था। मान साहब वहां के रहने वाले हैं, उनको जरूर ध्यान होगा इस बात का। तो ये सरकार नहीं है, ये लुटेरी सरकार है। किस तरह से कंपनियों को फायदा पहुंचाए, किस तरह से अपने लोगों को फायदा पहुंचाए, ठेकापर्ती सरकार ने बढ़ा दी है, हम उसके खिलाफ है। ठेकापर्ती नहीं होनी चाहिए। किसान का बेटा सबसे ज्यादा शहादत देता है, किसान का बेटा सबसे ज्यादा मेडल लेके आता है, और सबसे ज्यादा पिस्ता भी किसान ही है। हम तो एक बात कहते हैं, आपने वायदा किया एक लगाओगे डेढ़ पाओगे, आप एक बार कर्जा माफ करके, पूर्ण पे कर्जा माफ करके, ठीक है, और फसल का जवाब ले लेते हैं। तो देश जी आप कुछ पर्चा भी दिखा रहे थे, नहीं करेगा तो देश जी आप पर्चा भी दिखा रहे थे, मैं चाहूंगा जवाब दे दें। धनखड़ जी का जवाब दे दो, धनखड़ जी ने पूछ लिया, बड़ी अच्छी बात बताई धनखड़ जी ने। धनखड़ जी ने कहा सरकार की जमीन लूटने का काम किया, हमारे 5.5 साल के कार्यकाल में अगर 1 इंच भी जमीन कहीं हमने सरकार ने एक्वायर की हो तो धनखड़ जी बता दे, प्रदेश की जनता के सामने झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। और वहां इसलिए एक बात और बता दो, हम का समर्थन मूल्य की बात करें 1735 रुपए था, 1840 हमने किया, 704 हजार क्या, यही तो सवाल है। ठीक है सुखबीर जी देखिए मैं आपके पास आऊंगा, एक सेकंड सुखबीर जी, देखिए अब आपकी बात भी नहीं समझ में आ रही, सुखबीर जी आपकी भी बात समझ में नहीं आ रही, आपका विरोध भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको समय दूंगा, आप इसका विरोध करिएगा, थोड़ा उनको बोल लेने दें। सुदेश जी एक सेकेंड, सुदेश जी देखिए एक सेकेंड, थोड़ा सा ध्यान से सुन ले, देखिए थोड़ा सा आराम से बोले, क्योंकि आप लोग की आवाज ना आसपास बैठे हैं इको कर रही, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं, थोड़ा आराम से बोले क्या कह रहे हैं। आ रहा हूं सुखबीर जी आपके पास भी आ रहा हूं, एक सेकेंड सुखबीर, सुदेश जी समर्थन मूल्य की कोई बात नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री बीमा योजना की बात करें। सुदेश जी ठीक है, एक बार सुदेश जी की बात कंप्लीट हो जाने देते हैं। सुदेश जी थोड़ा आराम से सुदेश जी, आयुष जी मैं अपने शालीनता से इनको बता रहा हूँ, हमारी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1141 करोड़ का ऐतिहासिक मुआवजा किसानों को हमने देने का काम किया, आंकड़ों के आधार पर बता रहा हूँ। 2504 करोड़ का मुआवजा वो दिया जो प्राकृतिक आपदा हरियाणा में आने के बाद हमने वो मुआवजा देने का काम किया। हमने किसानों को पेंशन निधि के रूप में 6000 रुपए पर ईयर देने का काम किया। हमने आखिरी डेट तक किसानों को पानी पहुंचाने का काम किया। ये किसान इनकी बात नहीं है, क्या इन कौन सी बात करते हैं? तो भी है जिन्होंने किसान नेता से भी जवाब लेंगे, वो लोग बेहतर बताएंगे कि आपकी सरकार ने क्या किया है। ठीक है सुखबीर जी, ठीक है ठीक है सुदेश जी, देखिए मैंने आपको पूरा समय दिया, सुदेश जी देखिए मैंने आपको पूरा समय दिया,
सुदेश जी पूरा समय दिया था, अब जवाब सुन लें। ठीक है, जवाब भी सुने और सवाल भी सुने, क्या कह रहे हैं सुखबीर जवाल जी को भी सुन लें, आपके आपके साथ में बैठे थोड़ा सुन लें उनको भी। आयुष जी, आयुष जी दलवीर धनखड़ जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि पटवारी क्यों नहीं जाकर मौके पे देखता कि किस फसल कौन से एकड़ में क्या फसल बो रखी है, किसान को क्यों मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने भी फसल की बात करें, ये सरकारी अधिकारी क्या है, इनका काम क्या है। पहले भी अतीत में जो गिरदावरी जिस भी पर्टिकुलर गांव का पटवारी होता था वो करता था, वो पड़ताल क्यों हटाई जा रही है, ये किसान में क्यों छोड़ा जा रहा है। आज क्या हरियाणा का किसान इतना उन्नत है कि वो www.com की बात कर सके? नहीं है, निसंदेह नहीं है। और अभी मेरे साथी सुदेश जी ने बात करी SOIL पे कि हमने SOIL कर दिया, आज 2.5 साल से ज्यादा का समय हो गया SOIL के निर्णय आए, और जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की जिसके अध्यक्ष माननीय मनोहरलाल जी खट्टर है, वो आज तक एक सेकंड का समय माननीय प्रधानमंत्री जी से नहीं ले पाए, इस बात का कोई जवाब तो दे देंगे। दूसरी बात, इधर उधर की बात घुमाना इनको भारतीय पार्टी के लोगों की एक अजीब ट्रेनिंग है कि जो मुद्दे की बात है वो नहीं करेंगे, बेफिजूल के आंकड़े प्रस्तुत करना शुरू कर देंगे। आज हकीकत यह है कि आज फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बहुत पूरे समूचे राष्ट्र के स्तर पर इसका विरोध हो रहा है, लेकिन सुनने वाले नहीं है। और अभी बात कर रहे थे कि किसान अगर साथ नहीं होता जितना बड़ा बहुमत किस लिए आ जाता, कैसे आ जाता, उसकी भी मैं बता दूं किसानों को कोई फायदा नहीं मिला है इस बहुमत से, किसानों का मतलब नहीं है, ये तो सद्दम राष्ट्रवाद का नारा देकर इस प्रकार से और कई प्रदेशों में आप सुनने में चलेंगे वहां क्या हो गया। कहने का भाव यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इन्होंने अपने लोगों को बहकाने का बिगड़ने का प्रयास कर लिया, सतम राष्ट्रवाद दिखा दिया, कहीं पाकिस्तान का डर दिखा दिया, कहीं कुछ दिखा दिया, इन बातों का मतलब नहीं है। आज किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, किसान की सूर्यमुखी नहीं बिक्री वो धरने पे बैठे हैं, आज अनेक जिलों में किसान अपनी समस्याओं के लिए धरना रहता है जिनकी कोई परवाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से कुमार मधुकर जी आपके पास मैं आ जाता हूं। देखिए फिर इसका समाधान क्या हो सकता है, देखिए क्या सिर्फ फसल बीमा योजना खराब है या इसका कोई और भी अल्टरनेट हो सकता है, क्योंकि आखिर तो किसानों को मुआवजा चाहिए जो परेशान है। बिल्कुल, ये देखिए कि ये तो मैंने पहले भी कहा कि ये किसान बीमा योजना जरूर है, लेकिन लाभ इसका जो है कंपनियों को मिल रही है, इस एक तरह से बीमा कंपनियों का ही बीमा है ये, इसलिए सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे अभी एक किसान भाई कह रहे थे कि जो कई लोग ऐसे हैं जिनके बीमा ही नहीं है, तो जब बीमा नहीं तो इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें सरकार की ही खामी है, आखिर क्यों रह गए वो, क्यों नहीं उनको मोटिवेट कर पाए, क्यों नहीं उनको आप भरोसा दिला पाए बीमा को लेकर के। अगर किसी ने बीमा नहीं करवाया तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका अविश्वास है, तो इसलिए सरकार को बीमा कंपनियों पर जोर दे उस पर नजर रखना, कड़ी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि एक मैं घटना जो सोनीपत का बता रहा था जो हमारे संज्ञान में है कि करोड़ों रुपए इन्होंने जो है प्रीमियम के नाम से लिया, बाद में जब देने की जरूरत आई तो उसने एक लिस्ट जारी करी, लिस्ट जारी करने के बाद कुछ पैसे भी दिए, बाद में लगा करें ये तो हम लूट जाएंगे, तो फिर उन्होंने क्या किया कि उस लिस्ट को उन्होंने फिर कहा कि हम दोबारा जारी करेंगे, और वो दोबारा जारी करने के नाम पर पता नहीं अब तक वो लिस्ट दूसरी वाली जारी हुई है कि नहीं हुई है। तो इस तरह से अगर किसानों को आप ठगेंगे, इस तरह से अगर बीमा कंपनियां ठगेगी या कोई ना कोई बहाना लगा करके आप कह रहे हैं कि जल भराव वाले को हम बीमा नहीं देंगे, बीमा का लाभ नहीं मिल सकता, क्या पहले सरकार ने पहले उसको अवेयर किया था, क्या जागरूकता लाई उसमें बीमा करने से पहले? तो इसलिए सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा कि किसानों के हित में कितनी बातें हो सकती, बीमा कंपनियों को भी उस पर थोड़ा सा उस पर लाठी चलाने की जरूरत पड़ेगी कि आखिरकार किसानों के साथ आप किस तरह से न्याय कर सकते हैं। अगर किसानों के साथ न्याय नहीं कर सकते तो फिर इस बीमा का क्या मतलब है? आप प्रधानमंत्री बीमा योजना करवाइए या स्टेट लेवल से करवाइए तो कोई लाभ नहीं है, किसानों के हित में पूरी तरह से हित में बात होनी चाहिए। हर बात आप तब सुनते हैं जब किसान आंदोलन करने की तैयारी करते हैं या सड़क पर खड़े हो जाते हैं या सड़कों पर उतर आते हैं, तो ऐसी परिस्थिति क्यों आती है? कहीं ना कहीं सरकार की खामी रही है, इसलिए किसान सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें और क्या क्या इसमें सुधार करने की जरूरत है। ठीक है मान साहब, मैं आपसे भी यह समझना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए जब आप सवाल पूछ रहे हैं या जब मैं सवाल पूछ रहा हूं तो तमाम सारी ऐसी योजनाएं और उसकी स्कीम्स जो है उसका जिक्र कर देते हैं सुदेश कटारिया जी,
लेकिन क्या वाकई में इनमें से एक भी ऐसी स्कीम और योजना है जिसका फायदा मिला है? क्योंकि आप तो एक किसान नेता हैं, मुझे लगता है आप इसका बेहतर जवाब देंगे। देखिए, मैं सुदेश जी को यह भी बताना चाहूंगा कि जिस स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात भाजपा या पहली सरकारें करती थी, प्रोफेसर डॉक्टर स्वामीनाथन के साथ मैंने खुद एक सेमिनार किया हुआ है, हम को पैनलिस्ट थे उसमें, इज ए वेरी वेरी ग्रेसफुल पर्सन। 800 पेजेस की रिपोर्ट है उसकी, ना कि दो चार टिप्पणियों की, तो ऐसे उसको लगाना इतना आसान नहीं है। उसमें जो मूलभूत चीजें हैं वो तो सरकार ने टच भी नहीं की, सिर्फ इस तरह के एस्पेक्ट टच किए हैं कि एमएसपी को हम बढ़ा सकते हैं, वो बढ़ा सकते हैं, जबकि वो रिपोर्ट तो फोकस इस बात पे करती है कि एमएसपी जैसी चीजों की जरूरत ही ना पड़े, किसान इतना समृद्ध हो सकता है उस रिपोर्ट को अगर इन टोटैलिटी लागू करें। ये बात चलो एक डिफरेंट विषय है, बहुत बड़ा विषय है, इसको नहीं छेड़ूंगा। अअभी की बात है जो किसान फसल बीमा योजना की है, क्योंकि केसीसी से जबरन काटा जाता है। आप कटारिया जी से पूछे कि कितने लोगों ने स्वेच्छा से फसल बीमा योजना कराई है, जैसे कि अभी एक मेरे साथी ने भी पूछा ये बात, मुझे लगता है किसी ने भी स्वेच्छा से कभी भी फसल बीमा योजना नहीं कराई। अगर आज आप ऑप्ट आउट करने की अगर सुविधा बनाएं कि केसीसी वाले मर्जी है तो करवाएं, मर्जी है तो नहीं करवाएं, अधिकांश लोग इस फसल बीमा योजना को त्याग देंगे, ये उनकी मजबूरी है इसको रखना, क्योंकि ये प्रोडक्ट बढ़िया नहीं है। बीजेपी एक डायनेमिक सरकार है, इसमें कोई शक नहीं सुदेश जी के मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन जब बड़े बड़े फैसले डिमोनेटाइजेशन जीएसटी एक सेकंड में लागू हो सकते हैं, तो इस लगी हुई फसल बीमा योजना की त्रुटियां को ओवरनाइट क्यों नहीं ठीक किया जा सकता? इतना बड़ा थिंक टैंक भारत में है, ये केंद्र की योजना है, क्यों नहीं उस पर एक पैनल बना के एक ही दिन में इसकी जितनी त्रुटियां देश भर से आई हैं उसे ठीक करके अगले दिन भी क्या रात को 12 बजे उसे लागू क्यों नहीं कर पाते? ये बातों का जवाब सुदेश जी कभी नहीं देंगे, वो एक डिफेंसिव मोड में रहते हैं, जितनी भी बातें उन्होंने की वो इधर उधर भटकाने की, लेकिन इसका फायदा नहीं है। किसान यही चाहता है कि जो मौजूदा सरकार है जिसकी भी है उसी के बस पर्याप्त लगा सकता है, अगर वो नहीं सुनेगी तो नेचुरली वो बिल्कुल उसके खिलाफ हो जाएगा, ये तो समय की बात है। सुदेश कटारिया जी, देखिए बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं बार बार मान जी, मैं चाहूंगा कि आप ये जिक्र ना करें कि क्या आप लोगों ने जो योजनाएं लाई, जो मेन कोर बात हो रही है उस पर क्या काम किया गया, जो त्रुटियां हैं उसको लेकर के क्या कार्य योजना है, और जो बात कह रहे हैं मान जी कि अगर अभी भी आप इसको ऐसा कर दें कि कितने किसान ऐसे हैं जिन्होंने स्वेच्छा से इस फसल बीमा योजना को लिया है, तो उसका अगर कोई आंकड़ा या डाटा हो तो वो भी बता दें फिर। देखिए, प्रॉपर एक्यूरेट आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन 90% किसानों ने इसको अपनाया और फसल बीमा योजना के तहत उन्होंने स्वेच्छा से अपनाया। क्या सुदेश कटारिया जी, ये सवाल है उनका, स्वेच्छा से अपनाया? आयुष जी, मैं बता रहा हूं 1141 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना के किसानों के खाते में गए, हमारे खाते में नहीं गए, और सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर किए प्राकृतिक आपदा के समय जब आई तो 1141 करोड़ रुपए तो फसल बीमा योजना के, और 2504 करोड़ रुपए वो थे जो फसल का नुकसान हुआ था, जो स्वामीनाथन ने 10,000 रुपए फिक्स किए थे, उसने 12,000 देने का उसमें काम किया। और जिस प्रकार से एमएसपी बढ़ाने की बात है, मान साहब ने बड़ी एक बात कही कि जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को टच भी नहीं किया, प्रोफेसर स्वामीनाथन जी ने खुद ट्वीट करके कहा है कि जो मैंने नीति और नियत बनाया जिसे भारतीय जनता पार्टी ने काम करने का काम किया, थोड़ी बहुत छोड़ के लगभग सभी को टच किया है। अब पता नहीं मान साहब गलत है या प्रोफेसर स्वामीनाथन जी गलत है। आयुष जी, मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, किसानों के साथ सरकार खड़ी है, जाति किसी के साथ नहीं होगी, और विशेष गिरदावरी की जो मांग की थी हमने मांग की है, विशेष गिरदावरी के तहत इनको मुआवजा दिया जाएगा, और जो इनका मुआवजा बनता है बम्पर मुआवजा देंगे, ज्यादा देंगे। ठीक है सर, मेरे पास समय अब कम है, अब बहुत जल्दी से कॉन्क्लूजन की ओर बढ़ते हैं, एक कमेंट ले लेते हैं। दलवीर धनखड़ जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? आयुष जी, मैं तो हैरान हूं, किसान नेता जो हमारे हैं बहुत ही आदरणीय है, वो भी झूठ बोल रहे हैं। हमारे बहुत आदरणीय पत्रकार महोदय कुमार जी, वो भी झूठ बोल रहे हैं, दलवी धनखड़ भी झूठ बोल रहे हैं, INLD के प्रवक्ता भी झूठ बोल रहे हैं, हम सब मिलकर झूठ बोल रहे हैं। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं, हरियाणा अभी क्या मैं बोलूं, क्या मैं बोलूं, मेरे को फिर समय देना जी, क्या मैं बोलूं? आयुष जी, मैं बोलूं? आयुष जी, ठीक है, ठीक है सुदेश जी, देखिए मैंने हरियाणा में, इसलिए मैंने आपको पूरा समय दिया, हरियाणा में कभी भी सुदेश कटारिया जी, थोड़ा सुनो,
ठीक है ठीक है, मुद्दे पर आ जाते हैं। ठीक है ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड। आयुष जी ठीक है, एक सेकंड।